हमारे सहयोगी यतेंद्र भी अयोध्या में मौजूद हैं। यतेंद्र, आज का दिन बेहद खास, कुछ छटा निराली सी है, सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं और 22 जनवरी के लिए जोशो खरोश भी तमाम भक्तों में। क्या आज वहां लोग रिएक्ट करते दिखाई दे रहे हैं जिनके बीच आपकी मौजूदगी है? बिल्कुल, मैं अभी हनुमान गढ़ी में हूं, क्योंकि लोग सरयू में स्नान करने के बाद हनुमान जी के दर्शन करने आ रहे हैं और उससे कुछ कदम की दूरी पर ही भगवान राम बाल स्वरूप में विराजमान है। तो लगातार अलग अलग जगहों से श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं। कहां से आए आप लोग? हम लोग भैया चित्रकूट धाम करवी से आए हैं। तो क्या स्नान किया मकर संक्रांति? हमने सरयू नदी में स्नान किया है। मनोकामना किया? बस यही कि रामलला की जल्दी से स्थापना हो जाए और रामलला अपने स्थान में आ जाए। बहुत बड़ी खुशी होंगी, सुख शांति मिले, जीवन में सुख शांति रहे सबके। और क्या लग रहा है अयोध्या आकर, आपको किस तरह का फील हो रहा है? बहुत बढ़िया फील हो रहा है, एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, नई एनर्जी आ रही है। अच्छा, नई एनर्जी आ रही है। हाँ, कहाँ से आए आप? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ से? राजगढ़ जिला। राजगढ़ जिला। क्या कैसा लग रहा है अयोध्या? सर बहुत बढ़िया लग रहा है हमें। नदी में स्नान किया कि नहीं? सरजू जी में अभी नहीं, कल गए थे हम। कल गए थे, अभी स्नान नहीं किया? नहीं किया। आप लोग कहाँ से आए हैं? हाँ, अमरावती महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र से। क्या अयोध्या आकर कैसा फील हो रहा है? काफी नया दिख रहा है यहाँ पर। इसके पहले हम आकर गए थे तो कुछ भी नहीं था, अभी काफी नया सब कुछ दिखने लगा है, रोड़े बनने लगी है। आप कहाँ से आए हैं? हम अमरावती से आए हैं। अमरावती से? पूरे अमरावती से आए हुए। दर्शन हुए कि करने जा रहे? दर्शन हुए, दर्शन हो गए, घूम के आए, पूरा परिसर घूम के आ गए हम। सरयू में स्नान करने जाएंगे अभी। अभी जाएंगे। थोड़ा सर्दी लग रही है। सर्दी की वजह से हम लेट चल रहे हैं, लेकिन हम सरयू में जाएंगे अभी। जय श्री राम। शुद्ध हनुमान की। कहाँ से आए आप? सिंगोली के पास। सिंगोली से पास से आए हैं? एमपी से। कोई भजन है भगवान श्री राम का? श्री राम जय, राम जय, श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम, जय जय राम, वंदन जय राजा राम, सीता राम जय सीता राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन राजा राम। के भजन गाए जा रहे हैं क्योंकि हनुमान गढ़ी के दर्शन करने यहाँ पर पहुंचे हैं। मेरे पीछे जस्ट हनुमान गढ़ी और उससे कुछ कदम की दूरी पर रामलला बाल स्वरूप में विराजमान है और ये सब कुछ लोग सरयू में स्नान करके आए हैं और कुछ लोग यहाँ से जाने के बाद सरयू में स्नान करेंगे।